देखिए मेरे भाई, हॉर्स पावर ही क्यों कहते हैं, पावर को हॉर्स पावर ही क्यों कहते हैं? पुराने टाइम में कभी इंजन थे? कोई नहीं था इंजन। मेन कौन थे? हमने घोड़ों को तंग कर रखा था भाई, घोड़े की जान लेके रखते थे। और इवन कौन सा घोड़ा अच्छा है वो, और कौन सा अच्छा बुरा है घोड़ा, वो सब कुछ हम कैलकुलेशन करते थे, सब कुछ देखते थे। तो मेन क्या था हमारे पास आने जाने के लिए साधन? हॉर्स। कि भाई साहब हॉर्स के ऊपर बैठो, हॉर्स को पीछे काट बांध लो, उसके बैठो, है ना, ठेला बना लिया, पता नहीं क्या कुछ बना रखा है ना इंसान ने। तो हमारे पास जो ताकत आई कि हर बार इंजन की पावर की बातें हुई तो उसको कंपेयर किया गया एक घोड़े के बराबर। कि भाई अगर मैं कह दूं कि हॉर्स पावर एक एचपी का इंजन है, वन हॉर्स पावर का इंजन है, इट मींस उसमें एक घोड़े की ताकत है, एक हॉर्स की पावर है उसमें। एक हॉर्स जितनी पावर है, जितना काम एक हॉर्स ने करना था उतना काम हमारा इंजन कर रहा है, तो वो वन हॉर्स पावर हो गया। मेरे भाई एक बार जो वॉट जी थे, वॉट जेम्स वॉट थे, जेम्स वॉट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे। ये ऐसे नहीं कभी भी कुछ भी बना दिया, चलो यार सो के उठे, सुबह उठ के बोला ऐसे करो एचपी रख दो, हॉर्स पावर हो, नहीं भाई, मेहनत लगी है उनकी, मेहनत लगी है, पता नहीं कितने अलग अलग तरह के घोड़े मंगवाए गए, घोड़े मंगवाए गए और उनसे भार उठवाया गया और यहां पे पुली लगाई गई, पुली के साथ यहां पे वेट बांधा गया, वेट बांधा गया और यहां पे घोड़े को यहां पे रखा गया। अब मैं घोड़ा तो बनाने वाला नहीं हूं क्योंकि मुझे पता है मुझे मेरे से घोड़ा अच्छा बनेगा नहीं, तो ये मैं इस तरह से एरो लगाया, तो मान लीजिए यहां पे घोड़ा है, ओके। और यहां पे भाई साहब खड़े हो गए और इन्होंने हाथ में टाइमर पकड़ लिया, टाइमर पे देखना है कि एक सेकंड में वो घोड़ा एक मीटर तक वेट उठा ले, ठीक है, एक सेकंड में एक मीटर ऊंचा वेट उठा ले, एक सेकंड में। अब देखिए भार ज्यादा रखा, अगर मान लीजिए ज्यादा रखा तो उसको टाइम लग गया उठाने में, अगर कम रखा तो जल्दी उठा दिया उसने। उन्होंने चेंज किए, हॉर्सेस चेंज किए और प्लस यहां पे वेट चेंज किया। तो उन्होंने जब कैलकुलेशन करने के बाद वहां उनके पास आया तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 74.6 किलोग्राम के आसपास। तो एग्जैक्ट नहीं बोल रहा अभी मैं ताकि आपको कैलकुलेशन में या दिमाग में ना आए कैसे करना है क्या करना है। एक बार ये करिए कि 74.6 किलोग्राम का भार एक घोड़े ने एक मीटर ऊपर उठा लिया और एक सेकंड में उठा लिया। क्योंकि मेरे भाई पावर क्या होती है, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितना काम कर रहे हो, एक सेकंड में कितना काम कर रहे हो। काम का मतलब हमारे पास कैसे आ गया, मेरे पास आ गया फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस। मेरा फोर्स है ये, फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर आपको बेसिक नहीं आते मैं फिर से कहूंगा, मेरी यूरेका वाली वीडियोस ओपन पड़ी है फिजिक्स की, प्लीज देख लीजिए, यूरेका फिजिक्स लिखने के बाद साथ में गियर इंस्टीट्यूट लिख दीजिए। अगर आपको बेसिक नहीं पता तो प्लीज अपने बेसिक्स बनाइए, हाथ जोड़ के बेनती करता हूं आपके आगे, प्लीज अपने बेसिक्स बनाइए, फिजिक्स के बेसिक्स बनाइए। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस हमारा एक मीटर और एक सेकंड में, एक सेकंड में मास हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास मास हमारे पास आ गया 74.6 और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन गया जी, बन गया जी, बन गया, तो वो मान ले 10, तो एक मीटर और एक सेकंड में उठा लिया, तो ये मेरे पास क्या बन गया, 746। पावर क्या बन गई मेरे पास, पावर बन गई 746, ठीक है। कुछ बुक्स इधर उधर करती हैं पॉइंटों में, आपने उनमें नहीं घुसना कि वहां तो उस बुक में ऐसा दिया हुआ है। अभी एक बार समझ लो कि हो क्या रहा है, 746 हमारे पास क्या है, जूल पर सेकंड। अगर हम इस तरह से देखें ना, जूल पर सेकंड, लेकिन जूल पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वॉट, क्योंकि भाई साहब ने वॉट ने ही इनकी डेफिनेशन दी है इसलिए उनको इज्जत दे दी। तो पावर की डेफिनेशन जो होगी हमारे पास हॉर्स पावर की, हॉर्स पावर की, तो वो क्या हो गया हमारे पास,
जब 746 वॉट किसी में पावर हो वो हॉर्स पावर कहलाएगा। तो हमारा मतलब क्या हो गया कि अगर मैं किसी इंजन एक एचपी के इंजन से, यहां एक एचपी का इंजन रख लीजिए, एचपी का इंजन रख लीजिए 1 एचपी, और यहां 74.6 किलोग्राम का भार रखा जाए तो वो एक सेकंड में 1 मीटर ऊपर उठा देगा, एक सेकंड में 1 मीटर ऊपर उठा देगा। समझ गए आप, समझ गए, ये होता है हमारे पास हॉर्स पावर, ये होता है हमारे पास हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर क्या मतलब आपको पता ना होना चाहिए कि हॉर्स पावर होता क्या है, क्योंकि ये कहानी सच में है, ये कोई झूठ नहीं है। आपको लगे कि सर झूठ हो, ऐसे थोड़ा हॉर्स उन्होंने बुलवाए होंगे करे, और उन्होंने करा है, कितने अलग अलग नस्ल के घोड़े मंगवाए, साथ में असिस्टेंट रखे, टाइमर देखा ना, अलग अलग कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने कोई वैल्यू दी है, और आज तक ये वैल्यू चल रही है। आज तक हमारे पास हॉर्स पावर की यही वैल्यू, चाहे आप मोटर की बात कर लो, देख लो मोटर इंजन, जहां भी हम पावर की बात करेंगे, आप इतना वेट उठा लीजिए एक सेकंड में 1 मीटर तक, आप एक घोड़े की ताकत हो जाएगी आप में, आपको कहा जाएगा कि आप एक हॉर्स पावर वाले हैं। लेकिन एक 74.6 किलोग्राम काफी होता है, जो जिम जाते हैं उनको पता होगा कि 20 किलोग्राम भी काफी हो जाता है, 40 काफी होता है, 74.6 किलोग्राम बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग वो भी उठा लेते हैं, तो वो एक सेकंड में अगर 1 मीटर उठा लिया ना उन्होंने, इट मींस क्या वो एक घोड़े की ताकत रखते हैं, ठीक है। तो घोड़ा बनना है तो चने चबाइए, घोड़े बनिए, तो ये होता है हॉर्स पावर। आई होप कि ये समझ आ गया होगा आपको, आया या नहीं समझ आई है जरूर बताइए मुझे, ठीक है।